नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको जरूर फील होगा कि आखिरकार इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही शांति से करना चाहिए तो लाइफ में उसको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक गाँव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत गांव वालों ने पढ़ी, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दे दिए जाएं और 19 ऊँटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को दिया जाए। उन्हीं 19 ऊँटों में से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े चक्कर में पड़ गए और कहने लगे, अरे बताओ भाई, ये कोई वसीयत हुई? ऐसे कभी बंटवारा होता है भला? ये तो आपस में भाई बहनों को लड़ाने वाली बात हो गई। बताओ जरा, इतने बुजुर्ग आदमी ने ऐसी वसीयत लिख डाली, उम्मीद तो नहीं की थी ऐसी हमने काका से। अब बताओ भला, ये बंटवारा कैसे होगा? 19 ऊँटों का बंटवारा करने का तो मतलब ये हुआ गांव वालों कि यानी हमें एक ऊँट को काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। और चलो अगर एक ऊँट को काट भी दिया जाए तो बचे 18 ऊँट, तो उनका एक चौथाई 4.5 फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। ये बात सोचकर सभी गांव वाले बहुत उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव में से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया। उसने गांव वालों की सारी समस्या बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला, अरे बस इतनी सी बात से तुम सारे गांव वाले इतनी चिंता में हो? अभी देखो मैं कैसे तुम्हारी चिंता को चुटकियों में दूर कर देता हूँ। ऐसा करो, इस 19 ऊँटों में मेरा एक ऊँट और भी मिला दो और उसके बाद इसका बंटवारा कर दो। सब गांव वालों ने सोचा, अरे भाई, एक तो मरने वाला पागल जो ऐसी वसीयत लिख कर चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उसमें मेरा ऊँट भी मिलाकर बांट दो। चलो भाई, हमें क्या, जैसा ये कहता है हम वैसा ही कर लेते हैं। नुकसान तो भला इस पागल का ही होगा, हमारा क्या जाएगा। फिर सब गांव वालों ने सोचा और कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा बंटवारा कर दो, बस बराबरी हिस्सा सबको मिल जाना चाहिए, हमारा और कोई मकसद नहीं। फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बंटवारा करना शुरू कर दिया और कहा, 19 + 1 20 हुए, 20 का आधा 10 उसके बेटे को दे दिए जाए और 20 का चौथाई हिस्सा हुआ 5 उसकी बेटी को दे दिए जाए। वह 20 का पांचवा हिस्सा 4 हुआ और 4 ऊँट उसके नौकर को दे दिए जाएं, तो कुल मिलाकर 10 + 5 + 4 = 19 और बच गया इससे एक ऊँट जो मेरा है, तो मैं उसे लेकर अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही आसानी से बंटवारा करवा कर अपने ऊँट को वापस अपने गांव ले गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए तो हमेशा शांति से संतोषजनक होकर उत्तेजित ना होते हुए बल्कि उसका सलूशन सोचा जाए तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ही आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा और आपकी वो परेशानी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।